जी मसलन आपने ड्रामे किए, कमर्शियल्स किए, तो जिंदगी का अहम फैसला कब करेंगी? बस अब इस शो में आ गई हूँ ना तो कर लूंगी। फिर नाम भी बता दें। शर्म आ रही है, अभी नहीं बताऊंगी। चलो मैं आपके पास आ जा तो कान में बता दें। नहीं वैसे आप क्यों इतना शर्माएंगी, मुझे पता ना आप इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कर देती हैं। क्योंकि मुझे पता नहीं था जिनको मैं पसंद करती हूँ वो मुझसे इस तरह के सवाल करेंगे। ऐसी बातें ना करें। इस एक लड़की ने ऐसी बात की थी, लाइट मेरे पे गिर गई थी। और 1122 यहाँ से बहुत दूर है। अच्छा तो वैसे आप जितनी प्यारी हैं, कभी सोचा है वैसे आपका आइडियल कैसा होना चाहिए? हाँ, सोचने से क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। नहीं मिलेगा तो नहीं, मगर सोचने में क्या, दिल तो खराब करे ना बंदा। ख्वाब होता है, हकीकत हकीकत होती है, तो आप ख्वाब तो ना देखना छोड़े। नहीं कभी प्लान नहीं किया, बस जो नसीब में होगा वो तो होगा, वो तो मिल गया आपको। क्योंकि मैं खुद इतनी अच्छी हूँ और मुझे यकीन है कि मुझे कोई अच्छा ही पार्टनर मिले। बस ठीक है। ये अच्छा, तो ये आपने कहाँ से वेरीफाई करवाया? नहीं मैंने वेरीफाई नहीं करवाया, एक्चुअली इंसान को पता होता है कि वो कैसा है। मगर ये तो बड़ा एक रिलेटिव नहीं आ लिया जी, कि हर इंसान अपने अंदर सोच रहा हो कि मैं बहुत अच्छा हूँ। तो अच्छी बात है ना, हर इंसान सोचता है। मैंने एक दिन अकरम भाई कह रहे मैं तेन फुआद खान ही लग रहे। लेकिन फिर भी एक आइडियल होता ना, जैसे मेरा भी आइडियल है, आए मेरे सामने है, मैं खुश हूँ, तो आपका भी कोई आइडियल होगा ना वैसे? ऑनेस्ट हो, ऑनेस्ट हो, और मुझे लगता है ऑनेस्ट होगा तो सब कुछ होगा। जरूरी नहीं है कि ऑनेस्ट होगा सब कुछ होगा। अगर एक इंसान आपके साथ ऑनेस्ट ही नहीं है तो वो शादी या वो जिंदगी नहीं, नहीं, मगर उसके अलावा भी बहुत सी चीजें चाहिए होती हैं। उसको मेहनती होना चाहिए, उसको काम करने वाला होना चाहिए। वो तो जरूरी है ना, मेहनती नहीं होगा। ऑनेस्ट तो एक डाकू भी हो सकता है कि मैं डाकू हूँ, मैं बहुत ऑनेस्ट हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। डाकू नहीं चाहिए। तो फिर ये देखे ना, आप क्लासिफिकेशन कर रही है उसके अंदर, अब बात हट गई ऑनेस्टी से। ये पूरी स्टेटमेंट दीजिए कि ये तो आपने जो बात की बहुत वेग है। कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए? ये तो मुझे लगता है कि जो हम कह रहे होते हैं वो मिल थोड़ी जाता है। मिलेगा, आज आपको मिलेगा, आज आपका दिन है। एक ही चीज कह रही है, मुझे लगता है कि ऑनेस्ट होना चाहिए और जिम जरूर करता हो। नहीं जिम में क्या करता हो? जिम सफाई, फिटनेस फ्रीक हो, एक्सरसाइज करता हो ना, हो सकता है सफाई करता हो, मेंटेनेंस करता हो जिम में करने को, तो फिटनेस फ्रीक जरूर, फिटनेस फ्रीक होना चाहिए। लेकिन इधर कोई ऐसा बंदा भी बैठा जो आपको जिम ही बना दे। करता हो आपको है वर्कआउट एक्सरसाइज? मैं बहुत वर्कआउट करती हूँ वैसे तो, आजकल छोड़ा हुआ है बिकॉज फिल्म अभी मैंने कंप्लीट की है। तो उसके बाद आप कितनी डाइट करेंगे? अच्छा क्या फिल्म में रिक्वायरमेंट थी कि जिम नहीं करना? नहीं नहीं, फिल्म में रिक्वायरमेंट थी जिम करना था, उसके बाद। अच्छा, उसके मैंने बाद जिम जो करना, आप ब्रेक ले रही हैं? हाँ ब्रेक लिया है बिकॉज आप कितना डाइट पे रहेंगे। अच्छा। इंसान है ना तो खाने को तो दिल चाहता है। अभी फिलहाल छोड़ा हुआ है। और जो लड़का हो उसके पास गाड़ी कौन सी हो? हाँ। आपकी पसंदीदा गाड़ी बताने? अब ये तो आप सियासत कर रहे हैं मेरे साथ। गड्डी अगर तुम दसोगे ना तो समझ आ जाएगी। जरा वैसे तो आजकल मुझे रक्षा पसंद। इससे आपको पता चला कि इतना पॉज नहीं लेते बीच में। मर्सिडीज पढ़ दियो, अस तिने गए ये भी मेहरान के थले हैंडल नू ताला लाई दा। जो प्रॉब्लम चल रहा है उन्होंने, चले इतना तो उनको क्लेरिफिकेशन है। उन्होंने यहाँ पे ये नहीं कहा कि सिर्फ गाड़ी होनी चाहिए, उन्होंने कहा कि मर्सिडीज होनी चाहिए। जो आपने जवाब दिए हैं उनका एक लुबे लुबाब निकालूं तो आपको एक ऐसा ऑनेस्ट आदमी चाहिए जिसके पास मर्सिडीज हो। देखिए आप लोग तो चीजों को उगलवा कर उसका बात का बतंगड़ बनाते हैं। तो आप अगर हमें सही चीज बताएंगे तो हम बतंगड़ नहीं बनाएंगे। हमें इतनी दो वेग चीजें बताएंगे, एक सच्चा आदमी जिसके पास मर्सिडीज हो। ये मेरा मतलब नहीं कि सच्चा इंसान हो और उसके पास मर्सिडीज हो, ये तो जरूरी है जिंदगी गुजारने के लिए। आपको चीजें भी चाहिए, अच्छी जॉब भी करता हो, अच्छा काम भी करता हो, ये सब चीजें होनी बहुत जरूरी है। मैंने जब मर्सिडीज ली थी ना तो बड़ा नुकसान हुआ मेरा, मैंने खेंची और धागा टूट गया उसका। इतनी कमजोर वाली मर्सिडीज क्यों ली? वो 200 रुपए में आई वो रही थी उस वक्त। लेकिन आप जो कहेंगे सर मैं अगले साल मर्सिडीज ले रहा हूं। आप एम करिए मर्सिडीज के लिए, जब आपका मर्सिडीज आ जाए तब आप बताइएगा, तब हम दोबारा उनको बुलाएंगे। और तब तक मैं दुआ करता हूँ कि उनको कोई मर्सिडीज वाला ना मिल जाए। नहीं नहीं ये नहीं हो सकता। नहीं नहीं मुझे जल्दी मिल जाएगा। अच्छा जी, क्योंकि मैं इस शो में आ गई हूँ ना। ये ना हो कि मैं गुर्दा बेच के मर्सिडीज लवाते उस बात। अच्छा वैसे ये बता दो आपके गुर्दे से कोई मर्सिडीज नहीं आएगी।